वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवरानी जेठानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अपने घर परिवार में अच्छे होंगे। तो आज का हमारा फिर से एक ब्लॉग चालू हुआ है। यहाँ पे मैंने सुबह का नाश्ता बना चुकी हूँ, स्टार्टिंग है तो बना चुकी हूँ और रोटी भी बना लिया है। आज मैंने छोले पूड़ी नहीं बनाई हूँ, आज रोटी बनाई है क्योंकि पूड़ी मैंने कल बना ली थी। यहाँ पे गट्टू जी अपने खिलौने के साथ खेल रही हैं, दिखाती हूँ। ए गट्टू, खिलौने पे बैठी हैं, कुर्सी पे ही बैठी हैं, कुर्सी पे इनका खिलौना रखे हैं। आज ये नीचे नहीं उतरेंगी, आज अपनी बहनों लोगों को छोड़ने नहीं गई क्योंकि आज ये मैडम आज लेट से उठी हैं, काफी लेट से। अब वहां पे इनकी मम्मी उनकी रखवाली कर रही है बैठ के। ए मैडम, दांत फाड़ते सब दिख रही है तू बस। और हमारी सासू माँ अपने स्वच्छ भारत मिशन में लगी हुई हैं। ये मारा चौक का रगड़ रगड़ के इस पायदान में बताऊं क्या हुआ है। ये माँ ने अभी दो दिन पहले ही धोया था, मगर एक बार गट्टू ने फिर से इसमें सूजू कर दिया तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तो इस वजह से माँ दोबारा कह रही है बहुत ज्यादा आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फिर से लेके बैठ गई हैं धोने। और हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, माँ अपना पायदान धो रही है। कम से कम पता तो चलेगा ना भाई, मम्मी तो वो चीज नहीं तो कम से कम बता तो रहे कि हमारे साथ करती है भाई। हम ये थोड़ी भी नहीं बता रहे कि करती है कि नहीं करती है। पापा मेरे बोले बर्तन धोने वाले ने डराए तो बोले तो सास तो बर्तन वाले दो। तो ये कोई थोड़ी बोलेगा कि नहीं करती है। ए भाई देखो, हमारे घर में ना हमारे सासू माँ हमारे से मे भी हमको लगता है ज्यादा हमसे भी ज्यादा काम कर लेती हैं वो। ये 60 की एज में होंगी, इस 50 में एज में ही लेडीज बोलती है मेरी बहुएं आ गई हैं, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा माँ अपना हमसे भी लगता है हमको कि हमसे भी ज्यादा काम कर लेती ही है, ये चीज का कोई वो नहीं। ना अपने खोजते रहती है क्या काम है क्या काम है क्या काम है। हम लोग तो एक काम करते बैठ जाते हैं ना, मम्मी खोजते रहती है। हाँ, कौन काम है। तो ये चीज है गार्डन वगैरह से लेके ये सब चीजें, ये सब ये चीज ज्यादा करती है। अभी कुछ बोल नहीं रही है, अभी एक के बारे में बोलेगी ना भाई करके तो हम लोग अपने मुंह बंद हो जाएंगे। देखा कह भी नहीं है, सब सुना था नहीं जाएगा टाइलर। इसमें कोई काट छाट नहीं होगी, ये सब चीज जाएगा। देखो और ये सुबह सुबह हुआ था, ये मक्के कहते हैं इसको, मकई हमारी तरफ, तो इसको बॉईल कर लिया गया है। बॉईल करने के बाद इसको धूप में सुखा रहे हैं। इसका हो सकता है क्या पीसेगा माँ, इसका पीसेगा कि भूजा भूजेगा ये। हाँ, इसको इसको जब भूजते हैं ना तो इसके ना ये जैसे पॉपकॉर्न नहीं होते ना, ये उस तरीके से नहीं फूटते, ये ऐसे ही रहते हैं, तो एकदम अच्छे से हो जाता है। ये अभी गट्टू देख रही है कि इसको फैलाना है कि नहीं फैलाना है, अपने काम में लगना है कि नहीं लगना है। तो ये चीज है, अभी देखते हैं। अभी एक दो चीज और भी है तो मैं वो भी बताऊंगी आपको आप कैसे है। हाँ, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी आज अभी बहुत सी कुछ चीजें हैं जैसे कि ना हम जैसे आपको बता रहे, क्योंकि अभी आपको जो जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको पता ही होगा कि हम अभी दो दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं करे, ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना ये थोड़ी सी ना हमारी जो जो वीडियो हम डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, तो अभी हमने फिर से चेक किया है कि हो जाए अच्छे से, तो हो रही है। तो आज से हम अपना वीडियो अपना ब्लॉग वगैरह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो ये चीज है। और प्लस हमारे को ना कहीं जाना है, तो अभी आपको पता चलेगा कहाँ जाना है तो आपको बताएंगे। और उसके रिगार्डिंग जो भी है प्रिपरेशन तैयारी वगैरह ये सब हमने आधी कर लिया, आधी बची है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं कैसे क्या काम करे। तो उन लोगों को खिलाती है खाना यहाँ यहीं पे, लेकिन वो क्या किया था, एक तो अच्छा से बनाया नहीं, नीचे से नाप नाप के ना उसको बना रहा था टेप इंच से कि ना ऐसा बना देंगे ना आपका तुलसी पिंडा कि आप चार गो आदमी को बोलिएगा बनवा लीजिए इसी से। हम लोग बोल रहे कि टेढ़ा बन रहा टेढ़ा बन रहा, नहीं काहे का, जब बन गया पूरा मम्मी देखिए टेढ़ा बना। दूसरा दिन एक सप्ताह बाद ना मम्मी आया था, एक सप्ताह बाद फिर कुछ काम पड़ा था हम लोगों को तो आया,
देखिए कि तहरा जैसा मिस्त्री रही नू तो हम कोनो के नाम बोले ये बात बोली थी उस मिस्त्री को एमा वो बात क्या बोले थे एक बार बताना कैसा बोला मम्मी माँ माँ जल्दी बोलो बोलो एक्सप्रेशन के साथ बोलो अच्छा ना बोले थे अरे इधर फेस करो ना इधर करके बोलो ना है हमारा यहाँ पे ना ये ना ये ऊपर डाल आप देख रहे हैं ना बेल ये ना ये पान के पत्ते की है तो हम बहुत दिन से ना कोशिश कर रहे हैं ना क्योंकि ना ये बताएं क्या हुआ है जब से यहाँ पे हमने थोड़ा ये सफेदी वगैरह करवाई है ना पेंट वगैरह तब से ना ये ना ठीक नहीं हो रहा है ये सब एक तरह से ना ये खत्म हो रहा है तो इसीलिए ना माँ ना जगह जगह ना जैसे एक दो जगह और भी लगा रही है कि कम से कम यहाँ से खत्म हो तो कहीं और बचे क्या है ना यहाँ कहते ना कि अपने घर से चीजें दो दूसरों को तो फिर वो चीज अपने घर से खत्म हो जाती है वो वाला हाल हुआ हमारे साथ पहले ये पूरा पान का जो हमारा बेल थी ना पूरी ये सामने की जो दीवार दिख रही है आपको ये पूरी भर रखी थी जब मैं आई थी यहाँ पे बट बोले कि हो पान का पत्ता है हमारे घर नहीं है तो ऐसा लग रहा था ना कि क्या चीज उनको खजाना मिल गया मार तोड़ तोड़ के लेके गए उसके बाद से तो हमारा पूरा पान खराब हो गया अब नहीं लगता है बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले जैसा पान है नहीं तो हमारे यहाँ पे पास में एक मंदिर है दो मंदिरें हैं मंदिर तो खूब है यहाँ पे बट पास में हमारे जो मंदिर है उसमें जो पंडित जी हैं वो बोलते थे माँ को कि पान पत्ता दे दीजिएगा बट अब तो खुद ही के घर में पान का पत्ता नहीं है तो दूसरों क्या देंगे तो वही है कि माँ भी देखो ये डब्बे में एक्सपेरिमेंट कर रही है लगाने का देखो एमा डब्बा दिखाओ देखो 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 ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना ये पुश्तैनी डब्बे हैं मेरे पति देव के दूध के डब्बे देखो 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 ये देखो छेद कर रही है बेचारा पान का पता ऑक्सीजन ले ले इन लोग पता है हम लोगों की मम्मी के पास ना बहुत दिमाग और ये पानी निकालना के पानी ना आड़ा रहे तो उसके नीचे छेद कर रही है साइड से छेद है बट अभी बंद हो चुका है बंद हो चुका था उसमें ध्यान से देखिए मम्मी की एक बहन भी दो ये अब उसको खाना खिलाने के लिए अरे देखा रुको इसको बिल्कुल भी वो नहीं लगता कि छोटा बच्चा है थोड़ा कम कम खाओ एक के बार में ढूंस देती है ना तेरा कर लियो ये मैं बताना चाहूंगी जो तुलसी पिंडा जो स्वीटी बात कर रही थी तुलसी पिंडा के लिए कि उसके लिए एक ना स्टोरी था तो जहाँ पे माँ ने एक बात कही थी तो वो बात बताती क्या थी एमा जल्दी बताओ क्या कौन सी बात थी जल्दी बताओ ना हाँ को भी हाँ को भी हाँ को भी ले बोलो बड़स क्या थी ऐसा तुलसी पिंडा बनाए कि नाम हो जाए नाम लीजिए ना, ना हम जजरी बनाओ तो नाम थी ना नाप के बनाए के बढ़िया बनी अब तारा से मिस्त्री रही नू तो कहीं ना नाम हुई टेर मेर बना के धो दिला सूप दौरे वही बात ना जय बास के बास बस और बास के सूप दौरे ये कहा ये जो डायलॉग मारा था ना मतलब आप लोग बताइए ये चीज उस मिस्त्री को माँ ने बोला था और ये चीज मेरे को ना जैसे कि ना माँ बिहारी में ये चीज सब बोलती है ना तो मुझे उतना जल्दी पल्ले नहीं पड़ता समझ नहीं आता है नहीं जो अभी मम्मी आप लोगों को एक मुहावरा बताए हैं इसका मीनिंग आप लोगों को प्लीज हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा इसका मतलब क्या होता है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग हमारी वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए चैलेंज है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज इसका मीनिंग बताइएगा हम लोगों ने मम्मी से पूछा था तो वो बताएंगी लेकिन पहले आप लोगों से रिस्पांस चाहिए आप लोगों को मालूम है कि नहीं ये आप लोगों का चैलेंज है और बताएं क्या होता है कि ना माँ ना ऐसी भोजपुरी में ना ऐसी बहुत सी कहावतें कह जाती है ना बातें बात पे पता भी नहीं चलता हम लोगों को बाद में हम लोगों को फिर से पूछना पड़ता है कि इस बात का मतलब क्या है अभी आप लोग भी होता है अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि हम लोग को बोलने नहीं आ रहा था वो जे
मम्मी याद दिलाई तो पता चला कि अच्छा ऐसे लाइन है इसका। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मम्मी बोलती है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आपको और भी ऐसी बातों का पता चलेगा। भोजपुर में ऐसे बोला जाता होगा बट हम लोग नहीं सुनते थे तो हम लोगों को आदत नहीं थी, तो यहाँ पे पता चला ये चीज भी बोली जाती है। आप लोगों को बता दे कि बेसिकली हम लोगों का लैंग्वेज है भोजपुरी बट यहाँ पे हम लोग हिंदी बोलते हैं। मुझे आती ही नहीं है, इनको नहीं आती है, समझ जाती बोलनी पड़ती है। तो यहाँ सबको ही हिंदी बोलते तो हम भी हिंदी ही बोलते हैं, वरना भोजपुरी हम लोग का भी है। हाँ तो क्योंकि है नेक्स्ट ब्लॉग में आप और भी आगे जुड़े रहिएगा। तो ओके बाय, तब तक के लिए बाय बाय।